हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपने पार्ट थ्री में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने अपने लास्ट पार्ट टू में हमने लाइव सेशन करके स्टार्ट कर दिए थे अपने एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन को। 1 to 7 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे वीडियो के साथ आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन दे रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज अगर कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, आप हमारे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज मेरा इनिशिएटिव भी वो स्टूडेंट है जो घर पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग से नहीं ज्वाइन कर सकते। सो आपके फ्रेंड भी बेनिफिटेड होंगे हमारे वीडियोज़ को देख के। सो प्लीज़ गाइज, शेयर माई वीडियोज़ इन योर फ्रेंड सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो गाइस, दिस इज़ नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम आरएस अग्रवाल बुक, और इसको भी हम लोग इजी शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल पर बेचने पर 20% का लाभ हो। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ हमें प्रॉफिट दे दिया है कि 20% का प्रॉफिट हो, और बाकी हमसे और कोई भी डिजिट नहीं दे रखी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिजिट को मानेंगे। मतलब कि यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लेट्स कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ स्प्रिट 100 रुपीज, एंड देन सेलिंग प्राइस ऑफ स्प्रिट उसको भी हम लोग 100 मान लेते हैं, एंड देन सीपी ऑफ मिक्सचर जो मिक्स कर रहे हैं उसका हमें निकालना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो। तो देखिए टाइम, तो यहाँ पे देखिए 100 प्लस हम लोग करते हैं ना, जैसे ये 100 हमारी सीपी है और इसमें हमें प्रॉफिट हमें तो कॉस्ट प्राइस में जोड़ना होता है ना, तो ये 20, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो मतलब 120 हमें इक्वेलेंट टू दे रखा है एसपी, ये हमने एसपी माना है ना, तो इसी के हमें इक्वेलेंट हमने मान लिया। सो देखिए, ये हमने कर लिया 120 इक्वेलेंट टू 100, एंड देन 1 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 120, एंड हमें मिक्सचर की वैल्यू फाइंड करनी है, सीपी ऑफ मिक्सचर फाइंड करना है, तो हमें 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए, ये 0 से 0 हमारा कट गया, एंड देन ये हमारा हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 12। तो इसको अगर देखिए हम लोग 4 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये हमारा आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा आ गया है सीपी ऑफ मिक्सचर, और इसको हम लोग देखते हैं सिंपल। अब हम लोग यहाँ से एलिगेशन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे एलिगेशन यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, दिस इज नाउ स्प्रिट एंड वाटर, तो हम लोग वाटर को यहाँ पे 0 निकल कर लेंगे, तो एंड देन स्प्रिट हमने 100 कर लिया, और मीन वैल्यू जो हमने निकाली वो कितना आया है 250 डिवाइड बाई 3। तो अब यहाँ से हम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हम लोग इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 50/3 हो जाएगा, और यहाँ से अगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा एज इट इज सेम रहेगा, क्योंकि 0 से माइनस करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे, अब ये देखिए 3 से 3 हमने काट दिया, ठीक है, ये हमारा रेशियो में है ना, देन 250 रेशियो 50, देन हमने 0 भी कैंसिल कर दिया, और वैल्यू 5 से भी कट रही है, तो ये हमने 1 किया एंड दिस इज 5, तो आंसर हमारा आ गया 5:1। तो ये है हमारा आंसर। ओके गाइस, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बस हमने कुछ नहीं किया था, सिंपल से हमें, क्योंकि प्रॉफिट हमें दे रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो, तो हमने क्या करना है कि हमें कॉस्ट ऑफ प्राइस स्प्रिट को हमें मान लेना है 100, देन सेलिंग प्राइस भी हमने 100 मान लिया, और हमें सीपी ऑफ मिक्सचर का फाइंड करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है रखी हमने ये मिक्सचर की ही रखी है, और ये भी हमारी सीपी में ही होनी चाहिए, क्योंकि सीपी हमने ये सब माना है ना, 100 हमने देखिए ये स्प्रिट हमने 100 यहाँ से ये माना है ना 100 रुपीज़, देन यहाँ पे भी हमें
कॉस्ट प्राइस ही रखनी है, क्योंकि हमने आपसे अपने बेसिक वीडियो में बताया था कि हम जो यूनिट हमेशा सेम रखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग पहले हमारे वीडियो को पार्ट वन से स्टार्ट करके देख लीजिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्वेश्चंस को हम कैसे यहाँ पे डील कर रहे हैं। ओके चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 10 और इस क्वेश्चन को भी हम लोग ईजिली सॉल्व करेंगे। बस इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, मतलब जो आपके एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन हैं उसमें 10, 11 एंड 12 ये सब फॉर्मूले बेस हैं, फॉर्मूले बेस पे होंगे तो हम आपको ये चीज़ें सिखा दे रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे और 12 आपको होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया गया, इस प्रक्रिया को दो बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा, हमसे ये पूछ रहा है। ओके अब देखिए ये क्वेश्चंस सिर्फ फॉर्मूले बेस पे हैं, इसको आप फॉर्मूले की तरह ही करें, फॉर्मूले से ही करें। तो देखिए मैं वो फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, फिर आपको हम सिखाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं पहले वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ। सो गाइस ये है हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल क्वांटिटी हमें देखो कितनी दे रखी है 50 kg, तो ये हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल क्वांटिटी हमारी 50 kg है। एंड देन हमें फॉर्मूला पता है, इसी फॉर्मूले से हमें अपने आंसर्स को करना है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला है, फाइनल वैल्यू हमें फाइंड करना है कि अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। तो देखिए इनिशियल वैल्यू एंड ब्रैकेट में 1 माइनस टेकन आउट वैल्यू, जो वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं वो, एंड देन इनिशियल क्वांटिटी। तो देखिए हम कितना निकाल रहे हैं, 5 kg निकाल रहे हैं, तो वो यहाँ पे रखेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है, इनिशियल वैल्यू हमारी 50 है, एंड देन 1 माइनस टेकन आउट कितना कर रहे हैं 5, एंड इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 50। तो और कितने टाइम किया जा रहा है, 3 times किया जा रहा है। देखिए पहला तो ये किया गया 5 किलोग्राम दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया गया, मतलब ये फर्स्ट टाइम किया गया, और दो बार और किया गया, तो टोटल कितना हो गया 3। तो ये n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे। अब देन यहाँ से देखिए हम कट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ से देखिए हम वैल्यू कट कर सकते हैं, तो ये हमारा 5 से 5 कट जाएगा, तो अब वैल्यू हमारे पास क्या बची, ये हमारा 50, एंड देन ये हमारा नीचे 10 हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 10 माइनस 1 एंड डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 50, एंड देन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, ये 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 एंड देन 10। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट है, एक बार जो किया गया है ना ये है, अभी दो बार तो और किया गया है ना, टोटल 3 times किया गया है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाई हम लोग करेंगे 9 by 10 एंड 9 by 10, बस ये वैल्यू सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए इसको मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, 50 मल्टीप्लाई बाय 9 by 10 एंड देन 9 by 10 एंड 9 by 10, बस ये वैल्यू सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो आप लोग ये सोल्यूशन कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, तो ये 36.45 kg, दिस इज़ आवर आंसर। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, 11 क्वेश्चन नंबर में करेंगे, और सेम इसी तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फाइनल वैल्यू इक्वलेंट टू हमारा होता है इनिशियल वैल्यू, 1 माइनस वैल्यूम जो हम लोग लेते हैं निकालते हैं वो लेना है, एंड देन इनिशियल क्वान्टिटी, इनिशियल क्वान्टिटी कितनी है 50 kg हमें दे रखा है, वही हमने किया, और बस ये हमने सॉल्व किया है और अपने आंसर पे आ गए। ठीक है चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं, सेम एज इट इज इसी बेस पे है। सो गाइस दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम आरएस अग्रवाल बुक, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है, तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। तो गाइस ये क्वेश्चन हमारे सेम क्वेश्चन नंबर 10 की जैसा ही है, और बस हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पे फाइनल वैल्यू पूछा, तो सिंपल है, हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया है, फाइनल वैल्यू इक्वलेंट टू हमारा क्या होता है इनिशियल
value, and then 1 minus taken out value, and then initial value or n. जितनी बार प्रोसेस किया जाता है वो हम यहाँ पे n कर रहे हैं. तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखिए 20% दे रखा है, ये परसेंट से कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे. सिंपल हम लोग अपने आंसर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे क्वेश्चन को. तो फाइनल वैल्यू हमसे यहाँ से तो पूछ ही रहा है देन. तो यहाँ से हम लोग इनिशियल वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 100, जो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है नहीं, तो हम लोग हमेशा इनिशियल वैल्यू को 100 मानते हैं. तो ये हमने इनिशियल वैल्यू 100 मान लिया, एंड देन 1 माइनस कितना टेकन आउट हो रहा है 20%. तो 20 डिवाइड बाई 100 करें क्योंकि इनिशियल वैल्यू है, एंड देन कितनी बार प्रोसेस किया जा रहा है, 3 बार किया जा रहा है. तो ये हमारा 3 हो गया. अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए ये हमारा कट जा रहा है, 20 को अगर हम लोग से करें तो ये 5 टाइम कट जा रहा है. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा 100 हो जाएगा, एंड देन ये हमारा 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 और 3 आ जाएगा. एंड देन नेक्स्ट यहाँ से स्टेप कर लेते हैं. तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 100 गुणे 4 बाई 5. तो ये फर्स्ट प्रोसेस का हो गया, और क्योंकि टोटल 3 बार हो रहा ना, तो ये फर्स्ट हो गया और सेकेंड भी हमारा यही होगा, एंड देन थर्ड भी हमारा यही होगा. तो ये सेकेंड प्रोसेस है एंड दिस इज थर्ड प्रोसेस. बस अब हम लोग क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और अपने आंसर पे आ जाना है. तो देखिए ये हमारा कट हो जा रहा है 20 टाइम, देन अब कौन कौन सी वैल्यू बची, 20 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड देन सॉरी ये हमारा 4 है, 4 एंड 4 डिवाइड बाई हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 5. एंड गाइस देखिए हमारा ये वैल्यू कट जा रही है, फिर 5 को अगर हम इससे 20 से काटते तो ये हमारा 4 टाइम कट जा रहा. तो देखिए ऊपर हमारे पास कितने 4 हैं, 4 टाइम 4 हैं. तो इनको मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा. तो देखिए इसको हम लोग 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 256 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 51.2%. सो दिस इज नाउ आवर आंसर. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने लास्ट पार्ट में. ओके चलिए आज के सेशन के हम लोग लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं. सो गाइस दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम आरएस अग्रवाल बुक. और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक कंटेनर में बने मिश्रण में दो द्रवों ए तथा बी का अनुपात हमें दे रखा है 7:5 था. इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया. तो आरंभ में कंटेनर में ए की मात्रा कितनी थी ये हमें फाइंड करना है. ओके तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग भी शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्व करेंगे. तो देखिए हमारे पास कंटेनर है ए और बी, जिसमें से इनका इनिशियली अमाउंट कितना दे रखा है रेशियो में 7:5. एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जब 9 लीटर पानी मिश्रण में से निकाल लिया जाता है तो उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में द्रवों का अनुपात कितना हो जाता है 7:9. ओके ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है. तो हमें बताना है आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी. तो देखिए गाइस यहाँ से हम इसका क्या है शॉर्ट ट्रिक अप्रोच रहता है, ये हम यहाँ से इसका डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4. और ये 4 हमें किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, ये 9 लीटर के इक्विवेलेंट दे रखा है. एंड देन इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16. ठीक है, और हमें टोटल वैल्यू ही फाइंड करनी है, उसके बाद हमें इनिशियल वैल्यू बतानी कि आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी. तो अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमें 4 हमें दे रखा है यूनिट 9 लीटर, देन हम यहाँ से 1 यूनिट निकाल सकते हैं. तो 9 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा लीटर, एंड देन यहाँ से 16 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 9 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16. तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 टाइम कट जाएगा, ये हमारा 4 टाइम कट जाएगा. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 36 लीटर आ जाएगा. तो 36 टोटल हमारा आ गया. अब देखिए यहाँ से हमें ए की मात्रा फाइंड करनी है कि ए की मात्रा कितनी थी. तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ए की मात्रा कितनी, तो हमें ए की
मात्रा बतानी है। तो सिंपल देखिए, ये टोटल कितना है, टोटल ये हमारा 12 हो जाएगा ना। तो देखिए 12 यूनिट हमें दे रखा है 36, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो 3 लीटर आ जाएगा। एंड देन हमसे एक ही मात्रा पूछा, तो मतलब कि 7 यूनिट हमसे पूछ रहा है, तो बस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21 लीटर। दिस इज आवर आंसर। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 आपको सॉल्व करना है, 13 हमने सॉल्व कर दिया है, और आज जो हम लोग लाइव सेशन करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो हम अपनी 14 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। टोटल आपके आरएस अग्रवाल बुक में 21 एक्सरसाइज आपके 19 है क्वेश्चंस, जिसमें से हमने आज आप लोगों के साथ 1 to 13 क्वेश्चन कवर कर लिए। सो गाइज, थैंक यू वंस अगेन, आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज मेरा इनिशिएटिव ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना। थैंक यू।